प्रिय भक्तगणों, बात खाली नमक की ही नहीं है, नमक को किस प्रकार से अपने घर के अंदर रखा जाए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो सकता है आपकी जानकारी के लिए, आपको जानने के लिए। नमक को अगर गलत तरीके से रखा जाएगा तो जो नमक आपके जीवन को, आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है, आपकी विभिन्न प्रकार की वास्तु दोषों को दूर करता है, वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनके घरों में नमक रहता है, शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके घर में नमक ना हो, तो फिर उसके पास घर भी नहीं होगा, वो जस्ट किराए पर रहने वाला एक व्यक्ति होगा जो खाना इत्यादि नहीं बनाता होगा, बाहर के खाने पर डिपेंड होता होगा। तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने घर में जब नमक रखते हैं तो नमक को कभी भी स्टील के डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें। नमक को हमेशा कांच के जार में रखने से आपके घर में स्वतः ही पैसों की आवक बनी रहती है, दरिद्रता अपने आप ही दूर होने लगती है। अगर आपके घर में धन का फ्लो नहीं हो रहा है तो आप चेक करिए आपके घर में नमक कहाँ रखा जाता है, किस प्रकार से रखा जाता है, और अपने घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए, माता लक्ष्मी को लगातार आते रहने के लिए प्रेरित करने के लिए आपको अपने घर का नमक सदैव कांच के जार में बंद करके ही रखना चाहिए। और सोने में सुहागा तो इस प्रकार से होगा, अगर आप उस नमक में एक लौंग या दो चार लौंग डाल दें, साबुत लौंग, तो ये सोने पर सुहागे का काम करेगा, हमारा वास्तु शास्त्र कहता है कि ऐसे घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहती है जो नमक को इस प्रकार से कांच के जार में बंद करके रखते हैं और उसके अंदर दो चार लौंग हमेशा पड़ी रहती हैं। तो ऐसे घर में धन का प्रवाह निरंतर बनी रहता है, दुख और दरिद्रता दूर होती है और सुख और शांति अपने आप चलती हुई चली आती है। तो आप सदैव नमक को अपने घर में इसी प्रकार से रख के अपने घर में सुख शांति और सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैंने आप सभी लोगों की परेशानियों को देखते हुए, समझते हुए, आपका जन्म कुंडलियों का डीप अध्ययन करने के पश्चात जो कुछ समझा है इतने वर्षों के दौरान, उसे मैंने सर्वशक्तिशाली सुदर्शन लॉकेट के अंदर समाहित किया है। यह सर्वशक्तिशाली सुदर्शन लॉकेट, जिसमें समस्त नवग्रह देवता, सर्व शिशु देव, चंद्र देव, मंगल देवता, बुद्ध देवता, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु महाराज और केतु महाराज के रतन या उपरतन तो लगे ही हुए हैं 6 कैरेट वजन के अराउंड। उसके अलावा इस पृथ्वी पर मौजूद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र का जो प्रतीक है गोमती चक्र के रूप में, वह भी इस लॉकेट के अंदर हमने समाहित किया है। और इस सुदर्शन लॉकेट को मैंने भगवान विष्णु, मां महालक्ष्मी, समस्त नवग्रह देवताओं के अलावा हनुमान बाबा के मंत्रों से भी सुसज्जित किया है, जागृत किया है, प्राण प्रतिष्ठित किया है, मंत्र सिद्ध किया है। आप
सभी लोगों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग सब तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए यह महाशक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट हर एक पहनने वाले व्यक्ति को उसकी विभिन्न प्रकार की परेशानियों में धीमे 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 लाभ पहुंचाता चला जाता है, उसके जीवन में खुशियां प्रदान करता चला जाता है, उसके चेहरे की चमक और रौनक बढ़ती चली जाती है, धीमे धीमे उसकी परेशानियां कम होती चली जाती हैं और घर में सुख शांति सौभाग्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। ऐसे अब अद्भुत सुदर्शन लॉकेट को आप घर बैठे भी हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से मंगवा सकते हैं। अपने नाम से पूजा करवाकर आप इसे धारण कर सकते हैं। मैं स्वयं इस सुदर्शन लॉकेट को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करता हूं। अपनी 33 वर्षों की जो मेरी मंत्र साधना है उस मंत्र साधना के बल पर मैं इस सुदर्शन लॉकेट को आप सभी के लिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करके तैयार करता हूं। तो आप अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बिना किसी झिझक के सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे के बीच में कभी भी फोन करके या फिर 24 घंटे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर आप बिना किसी झिझक के घर बैठकर या हमारी शनि पीठ 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर इस चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को आप मंगवा सकते हैं या यहां आकर धारण कर सकते हैं। जय शनिदेव।